डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 10 मैथमेटिक्स से आज मैं लाया हूं। दो प्रश्न हैं जो कि दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं और बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो ये 6 नंबर के प्रश्न है, तो आप इसे मिस मत करिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, अनुभव है, और मैं देखा हूं कि प्रत्येक वर्ष इस तरह के प्रश्न आते हैं, और इसलिए मैं इसको लिया हूं। तो आप इसे शुरू से अंत तक देखिएगा, और इसके पहले भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो पहला है, ठीक है ना, इसको देखते हैं। कह रहा है एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर। तो पहले हम फिगर बनाते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, मान लेते हैं ये हमारा मंदिर है, ए बी हमारा मंदिर है, ठीक है, और मान लेते हैं जो इसकी ऊंचाई है ये H1 है। अब यहां से मान लेते हैं कि 30 मीटर दूर एक पॉइंट सी है, एक पॉइंट क्या है सी है, जिसकी दूरी कितनी है 30 मीटर। अब आगे पढ़ते हैं क्या कर रहा है। करा स्थित किसी बिंदु से शिखर के उन्नयन मिना या शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो ये मंदिर है, ये शिखर है, और ये इस बिंदु, इसके बिंदु से इस शिखर का उन्नयन कोण कितना 30 अंश है। करा इस मीनार को कितना और बड़ा बना दिया जाए, कितना और ऊंचा बढ़ा दिया जाए। तो इसको मान लेते हैं H2 और बढ़ा दिया जाए, और इसको हम D मान लेते हैं। तो कोण कितना हो जाए इसी बिंदु पर 45 अंश हो जाए, ठीक है। तो मान लीजिए, यहां मान लीजिए, माना मंदिर को H2 मीटर बढ़ाने पर, माना मंदिर को H2 मीटर और बढ़ाने पर, H2 मीटर और ऊंचा करने पर, और ऊंचा करने पर, ठीक है, और ऊंचा करने पर उसी बिंदु पर कोण 45 अंश हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा। बस हो गया। अब देखिए, यहां पर हमको दो त्रिभुज मिल रहा है, एक त्रिभुज मिल रहा है ए बी सी, और एक त्रिभुज मिल रहा है डी बी सी। ये दो त्रिभुज है, तो पहले हम लेते हैं किसको, ए बी सी को लेते हैं। क्यों? क्योंकि ए बी सी को लेंगे तो H1 का मान निकल जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद में हम डी बी सी को लेंगे तो H1 का जब निकल जाएगा, इसमें रख देंगे H2 का निकल जाएगा, यही H2 हमें निकालना है कितना मीटर और किया जाए। यहाँ लिखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी सी में, ठीक है ना। अब देखो आधार का मान 30 मीटर, ये आधार है, ये 30 मीटर दिया है, ये ऊंचाई हमें यानी लंब निकालना है, तो क्या लगेगा, टैन लगेगा। यहाँ लिखिए इसलिए टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब एल फार लंब और ए फार आधार, या टैन थीटा की जगह पर 30 अंश बराबर लंब का मान कितना है H1 और आधार का मान कितना है 30, तो 30 हो गया, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब देखिए क्या होगा, टैन 30 का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 हो गया बराबर H1/30 गुणा कर दीजिए तो क्या मिलेगा, H1 × 30 × √3 बराबर मिलेगा, 30 का गुणा एक में करेंगे 30 मिलेगा, या H1 बराबर हो जाएगा 30/√3, मल्टीप्लाई इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इसके नमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर में √3 से गुणा कर देते हैं, तो H1 बराबर क्या मिलेगा, 30 का गुणा √3 में होगा तो 30√3 हो जाएगा, और √3 का √3 में तो रूट कैंसिल, 3 × 30, तो H1 बराबर क्या मिल गया, 10√3 मिल गया, 10√3 मीटर, ठीक है ना। ये हो गया आपका, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। हमें H2 का मान निकालना है, ये याद रखिए, किसका मान निकालना है, H2 कितना और बढ़ा दिया जाए, मंदिर को कितना और ऊंचा कर दिया जाए कि 45 हो जाए। अब हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज DBC में लेंगे, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज DBC में, ठीक है। तो जब DBC में लेंगे,
तो यहाँ भी हमें क्या है लंब का ही मान निकालना, आधार का अनुपात दिया है तो टेन थीटा लगाते हैं तो थीटा का मान 45 अंश है तो हो गया टेन 45 डिग्री बराबर लंब। तो डीबीसी में डीबी आएगा तो डीबी में एच वन और एच टू क्या होगा जुट जाएगा, जाएगा एच वन प्लस एच टू बाई 30। अब टेन 45 का मान एक होता है तो यहाँ एक बटे एक हम लिख सकते हैं क्योंकि एक का भाग देंगे एक ही आएगा बराबर एच वन प्लस एच टू बाई 30। अब गुणा कर दीजिए तो जब गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एच वन प्लस एच टू बराबर 30, ठीक है ना। अब देखो यहाँ समीकरण एक से हम एच वन का मान रख दें, ठीक है ना, समीकरण एक से एच वन का मान रखने पर तो जब एच वन का मान रख देंगे तो इस एच वन की जगह पे क्या हो जाएगा टेन रूट थ्री प्लस एच टू बराबर हो जाएगा टेन रूट बराबर हो जाएगा 30। इस एच वन की जगह पे हमने इसको रख दिया प्लस एच टू बराबर 30 हो गया या एच टू बराबर हो जाएगा 30 माइनस टेन रूट थ्री या एच टू बराबर हो जाएगा 30 माइनस 10 गुणे अंडर रूट 3 का मान यहाँ देखिए दिया है क्वेश्चन में 1.732 हो जाएगा 1.732 या एच टू बराबर हो जाएगा 30 माइनस 10 का जब गुणा 1.732 में करेंगे तो हमें मिलेगा 17.32। अब जब 30 में से इसको हम घटाएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या मिलेगा एच टू बराबर मिलेगा 12.68 मीटर। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है ना। तो चलिए आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और ये जो प्रश्न है बोर्ड एग्जाम में आएंगे 100% आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का सलूशन देखते हैं, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है फिर भी आपको दिख रहा होगा स्पष्ट। क्वेश्चन नंबर दिया है नेक्स्ट जो है इसका सलूशन, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंख के छिन्नक के आकार का है, दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास 4 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर है, गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता का मतलब होता है आयतन। छोड़िए स्टूडेंट्स मान लीजिए ये आपका क्या है गिलास है, ठीक है ना, ये मान लेते हैं ये आपका क्या है गिलास है, ये नीचे वाला बॉटम हो गया, ये ऊपर वाला बॉटम हो गया और ये वृत्ताकार सिरे हो गए ऊपर और नीचे के, ठीक है ना। अब क्या है ऊपरी सिरे का जो व्यास d1 बराबर दिया है कितना दिया है 4 सेंटीमीटर दिया है, तो हम r1 का मान निकाल देते हैं तो r बराबर d/2 होता है तो 4 में 2 का भाग दे देंगे बराबर 2 सेंटीमीटर। और इसका जो है d2 बराबर कितना दिया है 2 सेंटीमीटर तो r2 बराबर क्या हो जाएगा 2/2 बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। और ये इसकी जो ऊंचाई है h बराबर कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। अब हमें धारिता निकालना है, धारिता का मतलब आयतन होता है, यानी कि इसलिए गिलास का आयतन, गिलास की धारिता, धारिता का मतलब होता है आयतन। अब गिलास कैसा है शंख के छिन्नक के आकार का है तो शंख के छिन्नक का फार्मूला लगाएंगे तो बराबर क्या होता है शंख के छिन्नक का फार्मूला पाई एच बाई 3 इंटू r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 गुणे r2, यही फार्मूला आपका है। तो पाई का मान 22/7 गुणे एच का मान कितना, एच का मान 14 है तो 14 हो गया 3 हो गया गुणे R1, तो R1 का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस R2 का मान आप देखिए कितना निकला है 1, तो हो गया 1 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 तो 2 × 1 हो गया, इसको आप काट देंगे तो 7 × 2 = 14 तो आपको मिलेगा 22 का गुणा 2 में करेंगे तो 22 × 2 कितना हो जाएगा 44/3 हो गया गुणे अब 2 का वर्ग होगा 4, 1 का वर्ग 1 ही होगा प्लस 2 × 1 = 2 हो गया। अब ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा 44/3 गुणे क्या मिला 4, 1, 5, 2, 7 तो ये 7 हो गया। अब या
बराबर क्या हो जाएगा, 7 चौक 28 8, 7 चौक 28 2 30 बटे 3 सेंटीमीटर क्यूब, या इसको आप चाहते हैं तो जब आप इसका इसमें भाग देंगे, इसका आप 308 में भाग दे सकते हैं, इस तरह से 308 में भाग देंगे कितने का, 3 का, तो 3 1 3 3 1 3 कैंसिल, 0 बड़ा नीचे आएगा, 0 ऊपर जाएगा, फिर 8, फिर 3 2 6 तो 2 हो गया, तो ये आपको मिल जाएगा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 102 करेक्ट, 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ देखिए, इसलिए आयतन बराबर या धारिता बराबर गिलास का जो निकला है कितना हो गया, धारिता बराबर हो गया कितना, बराबर हो गया 102 करेक्ट, 2/3 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया आपका आंसर या घन सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने मित्रों में, फ्रेंड्स में इसे शेयर कीजिए और आप हमें अपना सपोर्ट दीजिए। और भी वीडियो हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।